Hello student, myself Aisha Tabassum, I will teach you science. Today in this video lecture, I will be discussing the first chapter of class 6, that is sources of food. In this chapter, we will learn about need of food, varieties of food, ingredients of food. फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे फूड दैट मीन्स अ सब्सटेंस विच इज ईटन डेली टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. वी आर ईटिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं. सेकेंड थिंग्स वी विल डिस्कस सोर्स. वट इज सोर्स? सोर्स मीन्स वेयर डज इट कम फ्रॉम. फूड मीन्स खाना जो अपनी डेली लाइफ में खाते हैं. वी आर ईटिंग इट मॉर्निंग एज ब्रेकफास्ट, इन आफ्टरनून एज लंच, नाइट एज डिनर. सेकेंड थिंग्स वी विल डिस्कस नीड ऑफ फूड. सो इफ आई टॉक अबाउट कि हमें खाना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज या खाने का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, इट प्रोवाइड्स एनर्जी. It is helping us to grow and develop. It is helping us to do work. हम रोज़ स्कूल जाते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. हम कोई भी गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेट एंड फुटबॉल, इन सब के लिए यू नीड एनर्जी. सो इट इज़ फूड दैट इज़ प्रोवाइडिंग अस एनर्जी टू डू आवर डेली एक्टिविटीज़ इन लाइफ. एज यू ऑल नो, हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. वी रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट, वी रिक्वायर प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स. ये सब हमें फूड से मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस दैट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम उस फूड आइटम को जानेंगे जो हम खाते हैं, जैसे दाल एंड राइस. ओके, नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मींस द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फूड आइटम्स. इंग्रेडिएंट मींस होता है कि किसी भी फूड आइटम्स को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. लाइक यू हैव टू प्रिपेयर दाल, इसे बनाने में हमें पर्ल्स, वाटर, स्पाइसेस एंड सॉल्ट की ज़रूरत होती है. तो इन सारी चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे. You all have understood this topic, so I will give you some question in homework and write in your rough copy. Here I will give you a activity related to ingredients. इसे आप लोग अपनी rough copy में लिखेंगे. Thank you.